अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज के वीडियो में मैं जुम्मे के दिन का सबसे ताकतवर वजीफ़ा लेकर आई हूँ। ये वजीफ़ा बहुत ही ख़ास होने वाला है। इस वजीफे को किस तरीके से करना है, आप सभी वीडियो में बने रहें। हम जुमे के दिन एक तस्बीह पढ़ने से जो मांगोगे वो मिल जाता है, हर मुश्किल ख़त्म हो जाती है, हर दुआ अल्लाह की बारगाह में बहुत जल्द कबूल हो जाती है, हर मकसद बहुत जल्द पूरा हो जाता है। आज जो हम आपको बताने वाले हैं वो कौन सी तस्बीह है, किस तरह पढ़नी है, कितनी मर्तबा पढ़ना है और किस वक्त पढ़ना है। आज हम आपको जुमा के हवाले से बहुत ही बाबरकत और बहुत ही ताकतवर वजीफा बताने वाले हैं। ये बुजुर्गों का बताया हुआ अमल है। अल्लाह के खजाने में किसी भी चीज की कमी नहीं है, लेकिन हमें मांगने का शलीका नहीं है। अगर अल्लाह की इबादत करके मांगे, अल्लाह के महबूब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके में मांगे तो अल्लाह हमें हर नेमत से नवाजेगा इंशाअल्लाह। जुमा का दिन तमाम दिनों का सरदार है और तमाम दिनों से अफजल है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, जिस तरह हर काम का एक वक्त होता है उसी तरह दुआ मांगने का दिन जुम्मे का है। जुम्मा का दिन मांगी गई दुआ बहुत जल्द कबूल हो जाती है। जुम्मे के दिन बंदा जो भी दुआ मांगता है अल्लाह उसकी दुआ कबूल फरमा लेता है। हजरत इमाम अहमद रजा फरमाते हैं, जुम्मा का दिन लैलतुल कद्र से भी ज्यादा अफजल है। इस रिवायत से आप अंदाजा लगा सकते हैं जुम्मा का दिन कितनी रहमतों और बरकतों वाला होता है और कितना बुलंद। इस दिन अल्लाह से जो मांगा जाए वो मिल जाता है। जुम्मा का दिन इतना बाबरकत है कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी वालिदा हजरत आमीना के सिकने मुबारक में जिस दिन तशरीफ लाए थे वो जुम्मे का दिन था। हजरत आदम अलैहिस्सलाम इसी दिन पैदा हुए थे। जुम्मे के दिन हजरत आदम अलैहिस्सलाम की वफात हुई थी। जुम्मे के दिन कयामत आएगी। जुम्मे के दिन सारी कायनात फना हो जाएगी। जुम्मे के दिन ये वजीफा अल्लाह के दो नाम मुबारक वजीफा है। इस अमल को आपको पूरे यकीन के साथ करना है इंशाअल्लाह। इस वजीफे के जरिए से आपकी तमाम ख्वाहिशात बहुत जल्द पूरी हो जाएगी। आइए हम आपको बताते हैं वो अमल कौन सा है और किस तरीके से करना है। आपको ये अमल जुम्मे के दिन करना है, बेहतर है आप जुम्मे की नमाज के बाद करें। मर्द पढ़े तो जुम्मे की नमाज के बाद पढ़े, औरत पढ़े तो जोहर की नमाज के बाद पढ़े। अगर आप जुम्मे की नमाज के बाद या जोहर की नमाज के बाद ना कर पाए तो जुम्मे के दिन फजर की नमाज के बाद से लेकर मगरिब की अजान से पहले पहले इस बीच में किसी भी वक्त इस अमल को कर सकते हैं। इस अमल को करने का तरीका कुछ यूं है। जब आप इस अमल को करने का इरादा करें तो आप पहले वजू करें। अगर आपका वजू पहले से है तो आपको दोबारा वजू करने की ज़रूरत नहीं है, उसी वजू से इस अमल को कर सकते हैं। जब आप इस अमल को शुरू करें तो ऐसी जगह बैठ जाएं जहां आपको कोई डिस्टर्ब करने वाला ना हो। उसी जगह पर बैठे बैठे शुरू में 100 मरतबा दुरूद पाक पढ़ें। दुरूद पाक जो आपकी याद है वो पढ़ सकते हैं। खाली सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम 100 मरतबा भी पढ़ सकते हैं, ये भी एक दरूद पाक है। और ध्यान रखना है दरूद पाक 100 मरतबा से एक भी कम नहीं पढ़ना है, 20 तक ज्यादा पढ़ सकते हैं। बार से कम नहीं पढ़ना है, ज्यादा बेहतर हो जाए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तबारक व ताला के दो नाम मिलाकर पढ़ना है, या हय्यू या कय्यूम, या हय्यू या कय्यूम 133 मरतबा पढ़ना है। बिल्कुल इसी तरीके से या हय्यू या कय्यूम, या हय्यू या कय्यूम दोनों नाम एक साथ मिलाकर 133 मरतबा पढ़ना है और आखिर में 100 मरतबा दुरूद पाक पढ़ना है जो आपने शुरू में पढ़ी है।
ये वजीफा मुकम्मल होने के बाद आप हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से दुआ करें, जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से की जाती है वो दुआ सीधे अर्श आजम से टकराती है और वो दुआ फौरन कबूल हो जाती है। इसी तरीके से आपको खुद के लिए भी दुआ करना है और दूसरे के लिए भी दुआ करना है, क्योंकि जो लोग दूसरों को अपनी दुआ में शामिल करते हैं उनको फरिश्ते अपनी दुआ में शामिल करते हैं। यानी आप दूसरों के लिए दुआ करेंगे तो फरिश्ते आपके लिए दुआ करेंगे। ये इस बात का ख्याल रखें, आप जितनी भी दुआ मांगे उसमें दूसरे को शामिल जरूर करें। इंशाल्लाह अगर आप इस तरीके से दुआ मांगोगे तो अल्लाह आपकी हर हाजत को कबूल फरमाएगा और आपकी तमाम मुश्किलों को अल्लाह आसान फरमाएगा। अब बात आती है कितने दिन तक इस वजीफे को पढ़ना है। आपको ये वजीफा जुम्मे के दिन ही करना है। इस जुम्मे को करें, अगले जुम्मे को करें, फिर अगले जुम्मे को करें, बाकी के दिनों में नहीं करना। अल्लाह पाक आपकी इस वजीफे के बरकत से तमाम मुश्किलात को आसान फरमाता रहेगा और तमाम हाजतों को अल्लाह कबूल फरमा लेगा। आप लोग कुछ जुम्मे को इस अमल को करके देखें, इंशाल्लाह आपको इसके खुद ही फायदे महसूस हो जाएंगे। एक जुम्मे को करके आप अगले जुम्मे को खुद इस वजीफे को करोगे इंशाल्लाह, इससे आपको इतने फायदे मिलेंगे। ये वजीफा तो आप मुकम्मल कर ही लेंगे, लेकिन इसके साथ आप जुम्मे के दिन आप मेरे कहने से एक काम जरूर करें। जब आप इस वजीफे को करने के लिए बैठे तो आप किसी गिलास या बोतल में थोड़ा पानी ले लेना। ये वजीफा मुकम्मल होने के बाद शुरू में 3 मरतबा दुरूद पाक पढ़ें। दुरूद पाक जो आपकी याद हो वो पढ़ सकते हैं। उसके बाद या सलामो या सलामो या सलामो 100 मरतबा पढ़ें। आखिर में 3 मरतबा दुरूद पाक पढ़े जो आपने शुरू में पढ़ी थी। वजीफा शुरू करने से पहले पानी को सामने रख लें। जब वजीफा मुकम्मल हो जाए तो उस पानी पर 3 बार दम कर दें। ये दोनों वजीफा करके आप पानी पर दम करके रख लेंगे, दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं है। मुद्दतों तक इस पानी को चलाया जा सकता है। आपके घर में जो बीमार लोग हैं या जो बीमार लोग नहीं हैं तो वो भी इस पानी का इस्तेमाल करें। बैठकर सिर ढककर 3 सांसों में दवा की तरह इस पानी को पी लिया करें। इंशाल्लाह इस पानी की बरकत से कोई भी शख्स बीमार नहीं होगा। अगर कोई शख्स बीमार है तो अल्लाह उसको हर बीमारी से शिफा दे देगा। इस अमल को करने के बाद जिसने भी इस पानी को पिया है अल्लाह के रहम करम से उसे लाइलाज बीमारी से भी शिफा मिल गई है। तो आप भी जुम्मे के दिन इस अमल को करके इमरजेंसी के लिए इस पानी को पढ़कर रख लें। क्या मालूम कब इस पानी की जरूरत पड़ जाए। जो भी बीमार दिखे उसे इस पानी को पिला देना, इंशाअल्लाह अल्लाह के रहम करम से वो शख्स हर बीमारी से शिफा पाएगा। आप इस अमल को खुद भी करें और दूसरों को भी बताएं। आप जितना इस वीडियो को शेयर करेंगे उतना ही लोग इस अमल को पढ़ेंगे। आपकी वजह से किसी एक बंदे ने भी अल्लाह का जिक्र कर लिया तो आप सोच भी नहीं सकते आपको कितना सवाब मिलेगा। जब तक ये वीडियो चलता रहेगा आपको सवाब मिलता रहेगा। तो आप इस वीडियो को इसाले सवाब की नियत से हर मुसलमान तक शेयर करें।